हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज संजीव एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, चलिए आज फिर से मैं एक लोन एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। काफ़ी नया लोन एप्लीकेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा नया नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, अच्छा लोन एप्लीकेशन है और अभी लोगों को लोन दे रहा है। तो गाइज़, अगर आपको लोन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। ये एक NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो सारे बड़े सिटीज़ में लोन देता ही होगा, बट एक बार आप लोन के लिए अप्लाई करके चेक कर लेना आपके सिटी में लोन देता है कि नहीं देता है। बाकी गाइज़, चलिए मैं फटाफट से इस लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले गाइज़, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगता है तो लाइक मत करिएगा, लेकिन अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। कोई भी बात हो कमेंट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए फटाफट से मैं इस लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके आपको दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले गाइस, कुछ जरूरी बातें जो कि गाइस आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोन का टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर सकते हो, समय से लोन का EMI चुका सकते हो, तभी लोन के लिए अप्लाई करना, तभी लोन लेना। सही में कोई इमरजेंसी होगा, आपको पैसों की जरूरत होगी, तभी लोन लेना। और कोई भी लोन एप्लीकेशन अगर आपको लोन देने से पहले आपसे एक भी रुपया मांगे प्रोसेसिंग फीस या फिर सिक्योरिटी मनी के नाम पे, तो बिल्कुल मत देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं फटाफट से इस लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके आप सभी लोगों को दिखा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं प्ले स्टोर पर, दिखाता हूं आपको इस लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं इसी एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूँ, इंस्टेंट पर्सनल लोन, ठीक है। यहाँ पे गेट इंस्टेंट ऑनलाइन पर्सनल लोन, यहाँ पे ये देख सकते हो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मिनिमम लोन आपको 1000 मिलता है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का। मिनिमम रिपेमेंट पीरियड 62 दिन और मैक्सिमम 730 दिन, और यहाँ पे महीने में देखा जाए तो मैक्सिमम 24 महीने के लिए। मिनिमम एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट रेट यहाँ पे APR है 21.5% और मैक्सिमम 69% है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट रेट लेंगे ये लोन एप्लीकेशन वाले कस्टमर से। प्लेटफॉर्म का कोई फीस है यहाँ पे वन टाइम, वो है 350 रुपये। और यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, प्रोसेसिंग फीस मिनिमम 3%, मैक्सिमम 15% ऑफ द लोन अमाउंट, जितने का भी आपका लोन अप्रूव होगा उसका 3 से लेकर 15% प्रोसेसिंग फीस लगेगा। यहाँ पे गाइस देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल देके समझाया है कि अगर आपको इस एप्लीकेशन से 10,000 का लोन मिलता है तो 90 दिन यानी कि 3 महीने के लिए मिलेगा। जो प्लेटफॉर्म फीस है वो 350 रुपये एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, प्लस 18% GST। और गाइस थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रोसेसिंग फीस 300 रुपये और प्लस 18% यहाँ पे GST है, और इंटरेस्ट आपको 900 रुपये देना पड़ेगा अगर आपको 10,000 का लोन मिलता है तो। टोटल रिपेमेंट आपको 10,900 करना है, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग GST करना है, और आपका मंथली EMI इतना आएगा, इतना आपके बैंक में डिस्बर्स किया जाएगा, इतना आपको टोटल रिपेमेंट करना है, इतना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, इतना GST लगेगा, सब कुछ यहाँ पे एग्जांपल देके ये लोग समझाएं। अगर आप 10,000 का लोन लेते हो तो इतना इतना लगेगा। और बाकी गाइस थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे क्विक अप्रूवल है एंड डिस्बर्सल है। यहाँ पे अप्रूवल योर लोन एप्लीकेशन, यहाँ पे देख लीजिए मिनटों के अंदर अप्रूव हो जाता है। बाकी थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्विक पर्सनल लोन मिलेगा, इंस्टेंट कैश क्विक लोन मिलेगा, इमरजेंसी लोन और अर्जेंट लोन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम डे लोन आपको मिल जाता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी गाइस यहाँ पे देख लीजिए कैसे आपको लोन लेना है, तो 100% पेपरलेस प्रोसेस है, कोई भी पेपर वाला काम नहीं है। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP या वो डालना, आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी डाल के लोन के लिए अप्लाई कर देना। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, आपके पास मंथली इनकम का सोर्स होना चाहिए, आपकी मंथली टेक होम सैलरी 12,000 पर मंथ होनी चाहिए जो कि आपके बैंक में क्रेडिट होनी चाहिए। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सैलरी से ही 12,000 आए, किसी आप बिजनेस से 12,000 कमा रहे हो तो आप अपने आप को सैलरी शो करके लोन ले सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इजीली लोगों को सैलरीड लोग अपने आप को दिखा के, कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अपने आप को सैलरीड दिखाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं लेकिन सैलरीड दिखा के क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, तो ये तो लोन है। आप सेल्फ एम्प्लॉई हो, अपने आप को सैलरीड दिखा के डेफिनेटली लोन ले सकते हो। यहाँ पे इनका मेल है, कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं है लेकिन मेल है, कोई भी दिक्कत है इनके मेल पर संपर्क कर सकते हो। यहाँ पे इनका फेसबुक वगैरह सब कुछ है, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ है, आप कहीं भी संपर्क कर सकते हो। ऐप परमिशन की बात करें, कैमरा लोकेशन माइक्रोफोन फोन SMS अदर सबका परमिशन ले रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपसे आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन नहीं ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन वाले कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन लेते भी नहीं है, बट गाइस अच्छी बात है ये नहीं ले रहे हैं। अब मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ, साथ में एक और लोन एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिफिन, ठीक है, क्रेडिफिन ऑनलाइन पर्सनल लोन। यहाँ पे देख लीजिए 3.6 की रेटिंग है, 1 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं। 3.6 की रेटिंग है, 1 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं। गाइस यहाँ से नीचे से ऐसे ऐसे CL रिव्यूज़ हो जाएगा, वैसे तो यहाँ पे ऊपर देखा जाए तो सब इसको 5.5 का ही रेटिंग दिया है, आप देख सकते हो।
और 1-1 का भी बहुत लोग दिए हैं, 5 का तो बहुत ज़्यादा ही लोग दिए हैं। तो गाइज़ यहाँ से सी ऑल रिव्यूज़ करके आप मेरे तरह सी ऑल रिव्यूज़ करके रिव्यूज़ रेटिंग सब कुछ पढ़ना देखना, देन आप लोन के लिए अप्लाई करना, ठीक है। बाकी एक और लोन एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इससे लोन ना मिले तो उससे डेफिनेटली मिल जाएगा दोस्तों। सो गाइस, जो हमारा दूसरा लोन है उसका नाम है ट्रू बैलेंस, ठीक है। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का मैं हर वीडियो में आखिरी में बताता हूँ आपको, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऐसा है कि आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है लेकिन ये एप्लीकेशन आपको डेफिनेटली लोन दे देगा, भले आपका सिबिल स्कोर कम हो खराब हो फिर भी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सिबिल स्कोर कम है बहुत ज़्यादा खराब है तो शायद लोन ना दे, लेकिन थोड़ा बहुत कम है थोड़ा बहुत खराब है तो डेफिनेटली आपको लोन दे देगा ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन। अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दिए लिंक से ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है आपको लोन मिलने का, ठीक है। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में गाइस दो तरीके के लोन मिलते हैं, एक लेवल अप लोन, एक कैश लोन। अगर आप कैश लोन लोगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़े, क्योंकि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन आपको स्टार्टिंग में ही कैश लोन ज़्यादा ऑफर करता है, दैट्स व्हाई आपसे बैंक स्टेटमेंट लेता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का दूसरा लोन ले सकते हो, जिसको लेवल अप लोन बोलते हैं। लेवल अप लोन सिर्फ ओनली आपके आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी से मिल जाता है। हालांकि स्टार्टिंग में आपको कम लोन मिलेगा, 2-4 हज़ार का मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोन का रिपेमेंट करते जाओगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। टोटल 11 लेवल होते हैं दोस्तों, जैसे ही आप 11 लेवल पर पहुँचते हो मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से, ठीक है। तो गाइस ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो लोन के लिए अप्लाई करो। अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है तो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन आपको डेफिनेटली लोन दे देगा, वो भी मिनटों में। बाकी गाइस ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन जो है ना ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है गाइस, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगता है बट गाइस आपको मिनटों में लोन मिल जाता है। और ये जो लेवल अप लोन है सिर्फ ओनली आपके आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी से मिलता है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं देना है, कोई सैलरी स्लिप नहीं देना है, सिर्फ ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी से आपको लोन मिल जाएगा। लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दिए लिंक से आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम भाई लोग।